वीडियो में देखने वाले सैमसंग के फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप भी अपने फ़ोन को मतलब सैमसंग कंपनी का फ़ोन चलाते हैं और उसमें कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है और उस प्रॉब्लम को आपको ठीक करना चाहते हैं, तो ठीक करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। बस हमारे इस वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखते रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नहीं हो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं हम फ़ोन पे यहाँ आ चुका है। सबसे पहले आपको कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ, जैसे आपके कोई सिम रिचार्ज नहीं हुआ तो वो भी मान लीजिए, सिम रिचार्ज नहीं होता तो नेटवर्क काम नहीं करता। अपना देख लेना है कि सिम रिचार्ज है कि नहीं। कारण अगर आपका डाटा ख़त्म हो गया तो डाटा भी देख लेना है, डाटा ख़त्म हो गया है कि नहीं। इस भी कारण कि आपका नेटवर्क काम नहीं करता है कभी कभी। अगर आपका जस्ट आपका नेटवर्क सही में मतलब नेटवर्क है, डाटा है, तो आपको यहाँ फ्लाइट मोड को यहाँ से ऑन कर लेना है, उसको ऑफ़ कर लेना है। लगभग आपको दो या तीन तरीका बताते हैं। और तरीका है जस्ट आपको मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। अगर आपको फ्लाइट मोड में ऑन कर लेते हैं ऑफ़ कर लेते हैं नहीं होता है, तो आपको मोबाइल में सेटिंग में चले जाना है। आपको एक सेटिंग मिल जाएगा मोबाइल नेटवर्क, उसको हम लोग क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग मिलेगा यहाँ पर मोड सेटिंग, जस्ट उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर कोई भी सेटिंग नहीं दे रहा है। जस्ट आपको सिम देखने को मिल जाएगा यहाँ, दूसरे का सिम, फर्स्ट सिम। मान लीजिए आपका फर्स्ट सिम में प्रॉब्लम है तो फर्स्ट सिम पे क्लिक करेंगे, दूसरा सिम में प्रॉब्लम तो दूसरा सिम पे हम लोग क्लिक करेंगे। हम लोग फर्स्ट में प्रॉब्लम है तो फर्स्ट पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने में तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेटिंग एक देखने को मिल जाएगा एक्सिस पॉइंट नेम, हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग थ्री डॉट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद इस सेटिंग को हम लोग रेस्ट कर लेंगे। जैसे ही रेस्ट करेंगे फिर भी जो भी आपका नेटवर्क होगा ऑटोमेटिक यहाँ ऑन हो जाएगा। जैसे तो हम लोग मैसेज भी आना चालू हो चुका है, तब हम लोग बैक आ जाना है। बैक आने के बाद एक और आपको सेटिंग कर लेना है। मान लीजिए प्रिवेसी नेटवर्क टाइप पे क्लिक करना है। मान लीजिए आपके एरिया में 4G सिम काम करता होगा तो 4G पे क्लिक करेंगे, 3G काम करता है तो 3G पे क्लिक करेंगे, 2G काम करता है तो 2G पे क्लिक करेंगे। हम लोग यहाँ 3G करता है तो यहाँ 3G पे क्लिक कर लेते हैं। 3G पे जैसे ही क्लिक करते तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ रोमिंग जो है, जैसे ही आपका रोमिंग यहाँ ऑन हुआ तो जस्ट आपको रोमिंग को यहाँ से ऑफ़ कर लेना है। यहाँ वाईफाई कॉलिंग को भी यहाँ से ऑफ़ कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका नेटवर्क होता है ऑटोमेटिक यहाँ ठीक हो जाएगा। अगर आपका ऐसे भी ठीक नहीं होता तो अपने मोबाइल को यहाँ से जैसे पावर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सेटिंग मिल रहा है ना रेस्ट का, यहाँ पर रीस्टार्ट का, जस्ट आपको रीस्टार्ट ऐसे कर लेना है। जैसे ही रीस्टार्ट कर लेते जो भी आपका सेटिंग में मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सैमसंग फ़ोन में ठीक कर सकते हैं, ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।